राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया, अभी तक मैंने 3 साल ऑनलाइन हूँ मैं, अभी तक मैंने इस तरह का टॉपिक नहीं लिया था। कल मुझे क्लिक किया कि क्यों नहीं नेम न्यूमोलॉजी फॉर कंट्री। हमारे पूरे वर्ल्ड में 210 कंट्री है, सारे कंट्री का मैं नेम न्यूमोलॉजी करके आप लोगों को दूंगा और उसके साथ इंडिया का रिलेशन कैसा रहेगा या है ना, फ्यूचर में कैसा रहेगा नेम न्यूमोलॉजी के बाद, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी आज जो मैंने लिया है, सबसे हॉट कंट्री है ना, जिसके साथ इंडिया का हमेशा झगड़ा रहता है, पहले इंडिया पाकिस्तान, तो कंट्री का नाम है पाकिस्तान, नेम न्यूमोलॉजी फॉर कंट्री पाकिस्तान। आज मैं पाकिस्तान कंट्री का नेम न्यूमोलॉजी कर रहा हूँ कि क्यों अभी प्रेजेंट स्थिति इंडिया के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा वाला है, और फ्यूचर में पाकिस्तान का नेम न्यूमोलॉजी अगर उस नंबर पर होगा तो क्या हमारी दोस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या पाकिस्तान हमसे भी आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, वो मैं आज बता के दूंगा। सबसे मैं पड़ोसी मुल्क का लूंगा, सारा इंडिया के साथ जितना भी पड़ोसी मुल्क है अपना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब सब का लूंगा सबसे पहले। उसके बाद फिर डेवलप कंट्रीज का लूंगा कि इंडिया के साथ डेवलप कंट्रीज कौन सही मायने में मित्र है और कौन सही मायने में दुश्मन है। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ आपको कि पाकिस्तान का नेम न्यूमोलॉजी कैसे करते हैं और कैसे आप इसको सीखेंगे, है ना, सीखने को उद्देश्य से भी आपको पता होना चाहिए। बस एक मिनट के फिर से आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने अगर पेड पैसा देकर, है ना, पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है तो आज ही कराइए, फैमिली पैकेज के अंदर कराइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दिया हुआ है, लिख दाइए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे मैंने प्रोसेस भी बताया है कि कैसे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, है ना, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर पे पीडीएफ मांगिए, है ना, उसको पढ़िए ध्यान से। अपने परिवार का कराना है क्योंकि एक गंदी मछली जिस तरह से सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से परिवार में जो भी आपके साथ रहता है ब्लड रिलेशन वाले लोग, है ना, उसमें से किसी एक का भी अगर एंटी वाइब्रेशन पर रहा तो समझिए पूरे परिवार को तकलीफ हो रही होगी, 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से। और गारंटी मैं देता हूं अभी तक आपको कोई चीज मनचाहा बाय चॉइस नहीं मिला होगा, आपको जो भी मिल रहा होगा बाय चांस मिल रहा होगा, और आपकी स्थिति जो अभी होगी वो कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना वाली स्थिति होगी। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आप इंटेलिजेंट होंगे, ब्रिलियंट होंगे, लेकिन आपको अभी तक वो रिजल्ट नहीं मिला होगा जो आप डिजर्व करते हो, इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है। आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, तो स्पेशल पैकेज के अंदर न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों कराना है, और परिवार में रहते हैं तो है, परिवार में फैमिली पैकेज के अंदर आपको कराना है, 4 लोगों का एक साथ कराना है, और उसके साथ साथ आप तो हम लोग ऑनलाइन फ्री वास्तु भी आचार्य मैडम दे रही हैं, है ना, इस बात को समझना, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है एडवांस में, उसके हिसाब से आप सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए, है ना, 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि माध्यम तो मैं और आचार्य मैडम ही बनेंगे, लेकिन आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिलेगा। अभी भी देरी नहीं हुई है ना, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में है। और मेरा और आचार्य मैडम का जीवन का उद्देश्य जब से हम लोग ऑनलाइन आए हैं कि सबके घर में सुख शांति समृद्धि रहे, क्योंकि जो मैंने झेला है या उन्होंने झेला है आप ना झेलें, हमने 20 साल झेला है, मैं चाहता हूँ आप 20 डेज में ना झेलें। उसके लिए जरूरी है कि पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है, क्योंकि न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, कार और पेट्रोल की तरह, इंक और पेन की तरह, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाय या कॉफी नहीं है कि चाय पे लिए कॉफी की जरूरत नहीं, कॉफी पे लिए चाय की जरूरत नहीं है। चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स। चलिए अब बताते हैं पाकिस्तान का नेम न्यूमोलॉजी, है ना, कंट्री वाइज में बताता जाऊंगा धीरे धीरे। पाकिस्तान का टोटल नेम जो आता है वो है 25, मैं इस तरफ लेता हूँ, है ना, 25 का मतलब होता है 7, कैलिन सिस्टम से, है ना, कैलिन सिस्टम से, कैलिन सिस्टम चार्ट अब गूगल में अवेलेबल है, उसको निकालिए। पी की वैल्यू 8 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू 2 होती है, आई की वैल्यू 1 होती है, एस की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 5 होती है। अभी पाकिस्तान का जो कंट्री नंबर है ना, वो है 7 नंबर, और इंडिया का जो है कंट्री नंबर अभी फिलहाल वो है 12 नंबर पे, है ना। न्यूमोलॉजी में 12 नंबर अनलकी नंबर है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के रूप में हो, है ना, चाहे फर्स्ट नेम के रूप में हो, चाहे टोटल नेम के रूप में हो, 25 भी इंडिया में जो है अनलकी नंबर है, बट 7 नंबर जो है ना, और 25 नंबर जो है पूरे वर्ल्ड के लिए, अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें आउटसाइड इंडिया, तो ये सबसे ज्यादा लकी नंबर है, है ना। उसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा, फिर पाकिस्तान की मैं नेम न्यूमोलॉजी करूंगा। 7 नंबर इसलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे लकी नंबर माना जाता है क्योंकि हमारे ही देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, एंशियंट वंडर्स है, मॉडर्न वंडर्स है, 7 सीज अब है,
सात फेरे हम लेते हैं, इस तरह से आप गूगल में सर्च मारिएगा तो कम से कम सेवन से रिलेटेड ढेर सारा चीज निकलेगा। प्लस 25 दिसंबर जीजस का बर्थडे होता है, जीजस लॉर्ड जीजस भगवान जीजस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के गॉड हैं, है ना, उनका बर्थडे। पूरे वर्ल्ड में 300 करोड़ क्रिश्चियन है, तो जब 300 करोड़ आदमी इसको लकी मानेगा जीजस के बर्थडे को, तो सोच सकते हैं क्योंकि सिर्फ 150 करोड़ मुस्लिम है पूरे वर्ल्ड में, और 150 करोड़ हिंदू है, और 300 करोड़ क्रिश्चियन है। उसमें दो भाग में बटा हुआ है क्रिश्चियन, एक प्रोटेस्टेंट है एक कैथोलिक है। प्रोटेस्टेंट का मतलब अमेरिका पूरा प्रोटेस्टेंट कंट्री है। प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है जो सिर्फ क्रॉस की पूजा करता है ना, वो फोटो की पूजा नहीं करता है। कैथोलिक जो है मरियम माँ जीजस का फोटो की पूजा करता है। दोनों में ये फर्क है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में सिया सुनी है, और हिंदू कम्युनिटी में 33 देवी देवता है, उन सब की पूजा हम लोग करते हैं, है ना। तो 7 नंबर सबसे लकी नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान जितना भी अदर देन यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे 7 अनलकी नंबर समझा जाता है, और 12 इट्सेल्फ इज अनलकी नंबर। बट अगर इसको हम 3 कर दें तो ये हमारा लकी नंबर हो जाता है, गुरुदेव का नंबर। आज इंडिया आज़ादी के बाद से लेकर नहीं, शुरू से जब से हिंदुस्तान बना है तब से लेकर अभी तक जो प्रॉब्लम इंडिया को हमेशा अप्स एंड डाउन्स, कभी घृत घना कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी बना, जो लगा रहता है वो 12 नंबर की वजह से लगा रहता है, फिर उसको संभालता है 3 नंबर। चूंकि 1 और 2 किंग और क्वीन का नंबर है हमारा, सूर्यदेव और चंद्रदेव का नंबर, इसकी वजह से हमेशा इंडिया को संभाल लेते हैं गुरुदेव 3 नंबर, है ना। अब 3 नंबर का रिलेशन 7 नंबर के साथ कैसा होता है, केतु देव जिनके पास हेड है ही नहीं, सर है ही नहीं, क्योंकि राहु देव एंड केतु देव, है ना। आज से आप लोग राहु देव केतु देव बोलना शुरू करिए, शनि देव बोलना शुरू करिए अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो, राहु केतु नहीं बोला करिए, ठीक है। तो केतु देव गुरुदेव, है ना, ऐसे तो हैं, 3 नंबर का कोई भी अनफ्रेंडली नहीं होता है, है ना। लेकिन 3 नंबर जो इंडिया का सबसे प्यारा दुश्मन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का भी सबसे प्यारा दुश्मन इंडिया, क्यों, कि केतु देव का हेड नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है उनके पास कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो समझाएगा, बोलते हैं केतु देव 7 नंबर जिस नंबर के साथ मिल जाता है वही नंबर हो जाता है, क्योंकि बॉडी है, तो बॉडी क्या है, जिसके हेड के साथ, जिस भी हेड के साथ जोड़ दीजिए उसके साथ बन के वैसी नंबर बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को जो भी बाहरी कंट्री का लोग समझाता है उल्टा पुल्टा उस तरह से समझ के वो इंडिया के खिलाफ काम करता है। अब 7 नंबर का ये फीचर्स, बहुत सा फीचर्स, 7 नंबर का मतलब है हमेशा 7 नंबर आपको डाउट्स में डालेगा, कंफ्यूजन में डालेगा, डायलिमा में रखेगा, मतलब हमेशा दुविधा में रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान कंट्री आज भी दुविधा में कि इंडिया के साथ दोस्ती करें कि नहीं करें, लड़ाई करना है कैसे करना है, क्योंकि 7 नंबर का अपना कोई दिमाग नहीं, इनको जो जो जैसा दिमाग देता वैसे वैसे वो काम करते चले जाते हैं। अब इसी कंट्री को पाकिस्तान को अब अच्छा बनना और इंडिया के साथ दोस्ती रखनी है लाइफ टाइम के लिए, इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही था जैसा कि हम सब जानते हैं, 1947 में डिवाइड हुआ, फिर 1971 में बांग्लादेश डिवाइड हुआ, है ना, 3 कंट्री बना इंडिया से। इसको अच्छा करने के लिए अब पाकिस्तान की न्यूमोलॉजी कैसी होगी, अब मैं वो बताता हूँ। पाकिस्तान में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, है ना, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं जिनका वहाँ चलता है, है ना, जो हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो लोग सब मिल के चाहें तो पाकिस्तान को एक बेहतरीन कंट्री बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए बता देते, PAKISTAN, यहाँ पे डबल एन लगा दे तो 30 पे पहुंच जाएगा पाकिस्तान, गुरुदेव का नंबर हो जाएगा सबसे पहला, है ना। 3 नंबर 3 नंबर 30 नंबर 12 नंबर से कहीं ज़्यादा लकी है, ये हम सब जानते हैं। 30 नंबर पर नेम न्यूमोलॉजी होती है, फर्स्ट नेम हम रखते हैं, टोटल नेम रखते हैं, कंट्री का नाम रख सकते हैं 30 पे, है ना, एक डबल। और अगर पाकिस्तान को इंडिया से भी आगे बढ़ना है, जो कि वो बढ़ सकते हैं, अगर इनका नेम न्यूमोलॉजी 33 पे आ जाए, और 33 पे अगर कैसे आएगा, PAKISTAN पाकिस्तान, ये हो गया 33। जिस दिन ये पाकिस्तान अपना नाम बदल के इस तरह से कर देगा, आप समझ लीजिए वो इंडिया से 10 गुना ज़्यादा तरक्की कर लेगा। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को, रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, मैंने अपना इंडिया का नाम चेंज करके भारत के लिए रेकमेंड किया है कि भारत रखते ही इंडिया भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि भारत जो है वो 15 पे आता है। 15 मतलब 1+5=6, और उसमें 1 का भी क्वालिटी है 5 का भी क्वालिटी है। यहाँ पे पाकिस्तान जो हमेशा, है ना, सब कंट्री के साथ उसकी दुश्मनी है, कोई कंट्री उसको पसंद नहीं करता है, उसका कारण भी ये है, 2 और 5 यहाँ पे है, 2 और 5 आपस में दुश्मन नंबर है, एनिमी नंबर है। मज़ेदार बात यह है कि 5 नंबर जो है वो प्रिंस है,
दो नंबर जो है क्वीन है, मदर ऑफ प्लेनेट है सूर्यदेव, एक नंबर किंग ऑफ प्लेनेट है, फादर ऑफ प्लेनेट जिसको कहा जाता है ना, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं, सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता। तो ये दोनों दुश्मन नंबर है। मजेदार बात है कि पांच नंबर जो है मर्क्यूरी जो है वो चंद्रमा के इलीगल सन है, इसलिए मर्क्यूरी जो है अपनी माँ को पसंद नहीं करते, तो वो हमेशा जब भी इस नंबर के साथ रहेगा 25 नंबर है ना, पांच नंबर दोनों हमेशा बाधा पहुंचाएगा, डिफिकल्टी पहुंचाएगा, डिले करेगा आपको, आपको ऊपर जाते रहोगे नीचे खींच लेगा, जैसा कि पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा बाधक रहा है, नंबर्स बाधक रहा है। समय जब खराब रहता है ना तो आदमी भी खराब हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इंसान खराब नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है ना, लेकिन यहाँ पे नंबर्स मैटर, नाम में ही सब कुछ रखा है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में कुछ नहीं रखा है, वो गलत थे, नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, फिर नीचे भी गिरा सकता है, इसीलिए पाकिस्तान को इस नंबर को चेंज करके या तो सीधा 30 पर रखे, एकदम सुपर डुपर तीन नंबर का कोई दुश्मन कंट्री फिर नहीं रहेगा उनका, उनकी तरक्की वैसी होती चली जाएगी। और उन्होंने अगर गलती से इस नंबर को रख लिया 33 को, 33 न्यूमरोलॉजी का सबसे लकी नंबर होता है सारे नंबर्स में से, तो उनको फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा, इनकी तरक्की ग्रोथ इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट दिन दुनी रात जब उन्हें तरक्की होती चली जाएगी अगर 33 पे उन्होंने रख लिया तो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया के साथ सबकी दोस्ती हो, सब कंट्री में सुख शांति समृद्धि हो, वहाँ की जनता कभी लड़ाई पीट नहीं चाहती चाहे कोई भी कंट्री हो, है ना, कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से ये सब होता रहता है। अब फिर से जाते जाते याद दिला दें, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है, पूरे परिवार का कराना है फैमिली पैकेज के अंदर चाहे स्पेशल पैकेज के अंदर, है ना, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। एस्ट्रोलॉजी तो इसलिए कराना है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह कारक है, मारक है, उच्च है, नीच का, ग्रहण लगा हुआ है, अस्त है, पीड़ित है। Got it? Thank you so much. May God bless you. The happy beginning.